बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? आप आगे? अच्छा, आज हमारा फर्स्ट ईयर का सेकंड लेक्चर है जिसमें हमने डिस्कस करना है सर्कुलर मोशन के बाद इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और उसको हमने सेंट्रिफ्यूगल फोर्स का नाम दिया, उसको हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में हमने जो पीछे अपने कॉन्सेप्ट को सीखा था उनको आज हम इम्प्लीमेंट करते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे दो या तीन शॉर्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है, इसका नाम है सर्कुलर मोशन। तो कल हमने सर्कुलर मोशन और एंगुलर मोशन के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम थोड़े से उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं और फिर उनको यूज़ करते हैं कि उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो हमने डिस्कस किया था, एक प्रूफ हमने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर किया था कि S इज इक्वल टू आर थीटा, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। इसमें आपने देखा था कि S हमारे पास क्या चीज़ है, S इज एक्चुअली लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट आप इसको कह सकते हैं। और ये जो R है इसके साथ साथ ये जो थीटा है, थीटा क्या था जी, हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमने डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या रिलेशन है जी, S इज इक्वल टू आर थीटा। इस रिलेशन को यूज करते हुए हमने फिर इसी तरह का एक रिलेशन डेवलप करना है वेलोसिटी के लिए, जिसको हम कह देंगे एक लीनियर वेलोसिटी है या टेंजेंशियल वेलोसिटी है। टेंजेंशियल वेलोसिटी का रिलेशन निकालेंगे हम एंगुलर वेलोसिटी के साथ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन का और टेंजेंशियल या लीनियर एक्सेलरेशन का भी आपस में रिलेशन निकालेंगे। तो ये तीन रिलेशन हमने करने हैं, जिनमें से एक हमने पहले कर लिया और इसी को यूज करते हुए हम रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं बिटवीन रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो हमें पता है टेंजेंशियल और एंगुलर वेलोसिटी का कि हम टेंजेंशियल या लीनियर वेलोसिटी को v से शो करते हैं, v वेक्टर से, और एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से शो करते हैं, जो कल हमने सीखा। अब हम इस रिलेशन को यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, हमें पता है कि s इज इक्वल टू r थीटा। अब इस रिलेशन को यूज करते हुए हम इसमें कुछ चेंजेस लगाते हैं कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है लीनियरली, तो अगर वो कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ साथ एंगुलर एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, तो लिहाजा जो चेंज है वो इसमें भी हमारे पास लीनियर में और इसमें दोनों में आएगा। तो अब हम इसके साथ एक और चेंज करते हैं कि हम डिवाइड कर देते हैं डेल्टा टी से दोनों तरफ, और ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज, इसको हम कह देंगे एवरेज वेलोसिटी जो कि हमारे पास टेंजेंशियल फॉर्म है, और ये एवरेज वेलोसिटी जो कि एंगुलर फॉर्म है। लेकिन अगर हम एक और कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया था उसको भी रिवाइज कर लें, जिसमें हमने कहा था कि लिमिट्स लगा रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस बन जाता है, तो हम लिमिट्स लगा के दोनों तरफ लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो कर दें, तो फौरन उस इंस्टेंट में हम चीज़ को डिस्कस कर रहे थे, लिहाजा ये फिर बन जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, और आर कॉन्स्टेंट इसको शुरू में बाहर निकाल लेते हैं, तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, जो फैक्टर हमारे पास डेल्टा टी वाला है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। तो ये स्टूडेंट्स आपने कल सीखा था कि इस चीज़ को, ये जो फैक्टर हमारे पास है, हम इसको क्या बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, और ये जो फैक्टर है हमारे पास इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। लिहाजा हमारे पास जो फैक्टर मिले ये हमारे पास आ गया वी, और ये हमारे पास आ गई एंगुलर वेलोसिटी, इनको वेक्टर फॉर्म में शो कर सकते हैं। उसके बाद इसलिए इनका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो हमारे पास ये वेलोसिटी और ये एंगुलर वेलोसिटी। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास इतना फॉर्मेट हमें मिला इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी है, या सिंपल उसको लीनियर वेलोसिटी कह दें, वो इक्वल आई है आर ओमेगा की। जिस तरह से एस इज इक्वल टू आर थीटा आया, बिल्कुल उसी तरह से वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसमें हमारे पास ये लीनियर है लीनियर वेलोसिटी, और ये दूसरी जगह ये एंगुलर वेलोसिटी। तो इस तरह से हम इन दोनों का रिलेशन भी निकाल चुके, एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, दूसरा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो भी फिर क्या होगा जी, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा ओमेगा क्रॉस
वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इसको कह लें, मोमेंट आर्म वाला वेक्टर कह लें, या फिर रेडियस का वेक्टर कह लें। तो ये आपके पास इस तरह से इसकी वेक्टर नोटेशन है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब जैसे हमने s इज इक्वल टू r थीटा को लेकर v इज इक्वल टू r ओमेगा निकाला, इसी तरह से अब हम v इज इक्वल टू r ओमेगा को लेकर टेंजेंशियल और लीनियर, टेंजेंशियल और एंगुलर एक्सीलरेशन को भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो अभी हमने क्वेश्चन 2 में जो सीखा वो ये हमें पता है कि v इज इक्वल टू r ओमेगा है। अब इसी क्वेश्चन को हमने यूज करना है और इसी के साथ सेम वही चेंजेस करने हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, चेंज इसका लिया, इसके साथ भी चेंज आ जाएगा। फिर हमने क्या किया दूसरे स्टेप में, डेल्टा टी कर दिया, यहाँ पे भी क्या कर दिया डेल्टा टी। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, लिमिट लगा दी थी दोनों तरफ, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, और आर को शुरू में लिखें तो ये बन जाएगा डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। तो अब ये फैक्टर देखें स्टूडेंट्स, तो ये फैक्टर आपको मिल रहा है क्या, वेलोसिटी में चेंज है तो इसको हम कह देते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ए से शो कर देते हैं, और ये है एंगुलर वेलोसिटी में चेंज तो इसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से शो करेंगे। तो लिहाजा हमें जो रिलेशन यहाँ से मिल गया वो रिलेशन क्या मिल गया, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है जी। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ए किसके इक्वल है जी, अल्फा क्रॉस आर, इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, जो कि तीसरा भी एक वेक्टर है। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन आज पता चली, जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन टाइप किए, वो तीन इन्फॉर्मेशन हमने की। एक तो हमने डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरा हमने किया कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर इनटू एंगुलर वेलोसिटी, और तीसरा हमने क्या किया कि लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये तीन शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस करने थे। इन शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ हम देखते हैं कि जब हम लीनियर से एंगुलर की तरफ जाते हैं तो हमें लीनियर और एंगुलर में से दोनों में से एडवांटेजेस किसके हैं ज़्यादा। तो हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट पेज हम चले जाते हैं कि सपोज हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो सर्कल में मूव कर रहा है, इस तरह से सर्कल में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इसमें हमारे पास दो वेलोसिटीज हैं। इसकी एक वेलोसिटी जो हमेशा टेंजेंट टू दैट पॉइंट है उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, या इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट इसका टेंजेंशियल होगा या लीनियर होगा। जबकि एक और वेलोसिटी भी हमने कल निकाली थी जो कि इस तरह से अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन थी, जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, ये हमारे पास रेडियस है। तो इसमें से हमारे पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, हर पॉइंट पे चेंज होती है। देखिए हर पॉइंट पे टेंजेंट टू दैट पॉइंट होगी, इस तरह से टेंजेंट टू द सर्कल, ये इस तरह से। तो लिहाजा ये हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है, टेंजेंशियल जो होती है वो चेंज होती है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो। लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या एंगुलर एक्सेलरेशन है, हमने उसके ऊपर राइट हैंड रूल लगाया था, तो हमने देखा था वो सब अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इन दोनों में से ज़्यादा एडवांटेजेस जो हमारे पास है वो है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी डोमिनेट करती है लीनियर वेलोसिटी के ऊपर, जो हमें ज़्यादा एडवांटेजेस देती है, मतलब उसमें से वैल्यूज उसकी चेंज नहीं होती, हम कह सकते हैं ज़्यादा एडवांटेजेस वाली है, थ्रू आउट वो कॉन्स्टेंट रहती है। तो स्टूडेंट्स अब एक और सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमने जैसे लीनियर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया है, तो उनकी इक्वेशंस भी तो है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं लीनियर फॉर्म में, और नेक्स्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं एंगुलर फॉर्म में। तो हमारे पास लीनियर में क्या था, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था जी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारे पास टू ए एस इज इक्वल टू वी एस स्क्वायर
प्लस 1 ओवर 2 लीनियर को अल्फा और टी स्क्वायर। इसी तरह से जब आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में करेंगे तो 2 अल्फा बन जाएगा लीनियर में, लीनियर को एंगुलर में जब करेंगे तो जबकि s की जगह पे आ जाएगा थीटा। सो 2a थीटा इज इक्वल टू ओमेगा x स्क्वायर माइनस ओमेगा i स्क्वायर। तो ये है आपके पास एंगुलर फॉर्म में इक्वेशंस ऑफ मोशन और ये है आपके पास लीनियर फॉर्म में इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये भी कंपैरिजन था जो आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा रेफरेंस चेंज होता है, हम लीनियर से एंगुलर रेफरेंस को देख रहे होते हैं तो फिर हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन भी बिल्कुल इसी तरह से चेंज हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस करना था सर्कुलर मोशन के बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे जिसमें हमने s इज इक्वल टू r थीटा को प्रूव किया, फिर उसकी मदद से हमने v इज इक्वल टू r ओमेगा प्रूव किया और फिर उसको लेकर हमने प्रूव कर दिया v इज इक्वल टू r ओमेगा को लेकर हमने प्रूव कर दिया कि a इज इक्वल टू r अल्फा वाला। तो ये तीन प्रूफ्स हमने किए और इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने दोनों रेफरेंसेस के साथ देखा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।